जोड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब को और जानने की चेष्टा करते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में इंडसइंड बैंक के अलावा और कहां तेजी आती हुई दिखती है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, बैंकिंग बास्केट में शैल जी हमने दो स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी कल स्ट्रेंथ देखी। तो पहला था कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा था इंडसइंड बैंक। दोनों ही स्टॉक्स का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाई बीटा होने की वजह से मुझे लगता है इंडसइंड में मोमेंटम काफी शार्प हो सकता है। और सेफ स्टॉक के एंगल से मैं समझता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक पे मेरी चॉइस रहेगी। वीकली चार्ट पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिखाया और करीब करीब 5 महीनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कोटक महिंद्रा बैंक कर रहा है। 1830 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ मेरी खरीदारी की राय रहेगी। 1950 के लक्ष्य मैं समझता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। और एक छोटा अपडेट ये रहेगा शैल जी की एक स्मॉल कैप कंपनी, एक मिड कैप कंपनी स्पेशलिटी केमिकल की जुबिलेंट एग्रीविया, इस पे 2 दिनों से हमने रिकमेंडेशन दी। स्टॉक करीब 8% की तेजी लास्ट 2 दिनों में कर चुका है और जिस तरह का वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में आया है तो एक यहाँ पे रिवाइज टारगेट मैं रिकमेंड करूंगा 758 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर अभी भी खरीदारी की मेरी राय रहेगी। 830 रुपए के लक्ष्य जुबिलेंट एग्रीविया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, तो आपकी प्रेफर्ड पिक है कोटक महिंद्रा बैंक और जुबिलेंट एग्रीविया। बीते 5 सेशंस में आपने इसका कमाल दिखा ही है और यहाँ पे स्टे